राजस्थान में ग्राम स्तर पर नागरिकों के स्वास्थ्य व पोषण के देखरेख की जिम्मेदारी 3 जमीनी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम की होती है। तीनों कार्यकर्ताओं द्वारा आसान प्रक्रिया का पालन करके ट्रिपल ए मंच की स्थापना की जा सकती है। आइए इनसे सीखें। हम तीनों काम तो एक ही जगह करते थे, लेकिन हमारे रजिस्टर में गांव की जनसंख्या अलग अलग होती थी और मकान नंबर भी अलग अलग होते थे। जैसे हमारे सर्वे में मकान नंबर 1 पर श्याम लाल का घर था और आशा के रजिस्टर में सलीम भाई का घर था और एनएम के योग्य दंपत्ति में पहला मकान मोहन लाल का था। इस उलझन की सुलझन मिली हमें ट्रिपल ए द्वारा। ट्रिपल ए यानी ऐसे आशा, दूसरा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तीसरा है एनएम। तीनों का इसमें मिलकर ट्रिपल ए बना। ट्रिपल ए के 4 चरण हैं। पहला है गांव का नक्शा बनाना, दूसरा है रजिस्टरों को मिलाप करना, तीसरा है नक्शे पे लाभार्थियों के घरों को बिंदियों द्वारा दर्शाना और चौथा ट्रिपल ए की बैठक करना। सबसे पहले हमने गांव का नक्शा बनाया। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मैंने गांव के 7-8 लोगों की एक टीम बनाई, जिसमें सरपंच, उप सरपंच, शिक्षक, किशोरी बालिकाएं इत्यादि शामिल थे। फिर हम सब ने पूरे गांव का एक चक्कर लगाया। इसमें हमने गांव की गलियों को पहचाना, मुख्य चिन्ह, धार्मिक स्थल, हैंडपंप, कुआं, बावड़ी कहाँ कहाँ है। इस दौरे से लौटते ही हमने नजरी नक्शा एक ड्राइविंग सीट पर बनाया, जिसपे हमने चारों दिशाएं दर्शाई और गलियां और सड़कें दर्शाई। और इस काम को हमने उसी दिन किया, क्योंकि दूसरे दिन हम तीनों का मिलना संभव नहीं था और हम दूसरे दिन इसे भूल भी सकते थे। आगे हमने आंगनबाड़ी के सर्वे रजिस्टर के अनुसार नक्शे पे नंबर डाले हैं, है ना। उनका जो नंबर 1 पे मकान था, वो हमने भी नंबर 1 पे करा। उसके अलावा कुछ घर हमने ऐसे भी बनाए जहाँ जानवर बनते थे या खाली थे, तो उनमें नंबर ना डाल के हमने सिर्फ गलत का निशान लगा दिया। फिर ऐसा भी हुआ कि कुछ घर जो सर्वे में नहीं थे, जैसे कि रामलाल का घर, वो हमने घर बनाया और नक्शे में लास्ट में उसको दर्शा दिया। इस तरह हमारा नक्शा पूरा हुआ और हमारा पहला चरण समाप्त हुआ। ट्रिपल ए को स्थापित करने का दूसरा चरण होता है रजिस्टरों का मिलान करना। आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के अनुसार जो घर 1 नंबर पे था, मैंने वही घर अपनी डायरी में भी 1 नंबर पर डाला। इसी प्रकार बाकी घरों के नंबर भी मैंने उसी के अनुसार बदल दिए। एनएम ने भी अपने एसडीआर में योग्य दंपतियों के आगे मकान नंबर डाले। हमें एक बात समझने की जरूरत थी, मकान और परिवार में अंतर होता है। मकान वह जिसकी छत 1 हो और परिवार वह होता है जिस छत के नीचे जितने चूल्हे जलते हो, यानी एक मकान में कई परिवार रह सकते हैं। इस प्रकार हम तीनों के पास गांव में कितने घर हैं, गांव की कितनी जनसंख्या है, इसकी जानकारी समान होगी। नक्शे पे घर बनाने के बाद हमने उसका पुष्टिकरण गांव वासियों के साथ मिलकर किया, ताकि उसमें गलती की तो कोई गुंजाइश ही ना बचे। और ये पुष्टिकरण हमने 4 तरह से किया। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस यानी गुरुवार को लाभार्थी जब आंगनबाड़ी आते हैं तो उन्हें नजरी नक्शा दिखाकर उनके आसपास के घरों की पुष्टि करवाई। मैंने 10 घरों के भ्रमण के दौरान इस नक्शे को अपने साथ में ले गई और यह देखा कि बने घर सही तरीके से अंकित हैं या नहीं। गांव की चौपाल में बैठे गांव वासियों से गलियों और सड़कों का पुष्टिकरण करवाया। इसके बाद हमने 5 तारीख और 20 तारीख को होने वाली आम सभा में सरपंच और जो उपस्थित लोग थे उनके द्वारा इसका पुष्टिकरण कराया, और जो इसमें गलती थी वो हमने वही बैठ के सही कर ली। उसके बाद हमने नक्शे पर सरपंच साहब के हस्ताक्षर लिए, सील लगवाई और इसका पुष्टिकरण करवा लिया। एक बार सरपंच जी ने नक्शे का सत्यापन कर दिया, हमने हमारे सुपरवाइजर के सहयोग से इसे 4/5 वर्ग फिट फ्लेक्शीट पर छपवा दिया। फिर इसे पक्का मेप बनाकर आंगनबाड़ी पे लगा दिया। अब हम पहुंचे ट्रिपल ए मंच स्थापित करने के तीसरे चरण में, जिसमें नक्शे पर लाभार्थियों के घरों पर बिंदी लगाना। जैसे गर्भवती महिला पर नीली बिंदी लगाई व अति जोखिम महिला पर लाल बिंदी लगाई।
इस प्रकार जिस घर में 0 से 42 दिन का बच्चा है उस घर पर गुलाबी रंग की बिंदी लगाई, और जिस घर जिस मकान में कुपोषित बच्चा है उसमें पीली बिंदी लगाई, और जिस मकान में अति कुपोषित बच्चा है उसमें पीली बिंदी के ऊपर एक छोटी लाल बिंदी लगाई। इस नक्शे को देखकर हमें एक झलक में पता लग जाता है कि कौन सा लाभार्थी किस गली और घर में रहता है। ट्रिपल ए मंच स्थापना का आखिरी और चौथा चरण है ट्रिपल ए बैठक, है ना। इसके 3 सत्र हैं। पहला समीक्षा करना, दूसरा कार्य योजना बनाना और तीसरा सीखना सिखाना अपना। इसमें समीक्षा के अंतर्गत हम जो चर्चा करते हैं वो हम करते हैं गत माह में हुए टीकाकरण के बारे में कि उस टीकाकरण में कौन से लाभार्थी आए जिनको हमने क्या लाभ दिया और कौन से ना आए जो लाभ से वंचित रह गए। कार्य योजना के तहत ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस की तैयारी करते हैं, ड्यू लिस्ट तैयार करते हैं, अपना दैनिक गृह भेंट कैलेंडर तैयार करते हैं। गृह भेंट कैलेंडर तैयार करने के मुझे 3 फायदे हैं। सेवाओं की प्राथमिकता के आधार पर 10 घर चिन्हित हो जाते हैं, जैसे कि HVNC HRP को प्राथमिकता देती हूँ। हर दिन किस घर में जाना है, किस लाभार्थी से मिलना है, ये मुझे शुरुआत में ही पता लग जाता है। इससे मेरा परिलाभ या इंसेंटिव बढ़ सकता है। बैठक का आखिरी सत्र होता है सीखना और सिखाना, जिसमें हम काम से जुड़ी बातें करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। पिछले सत्र में NN बेन जी ने हमें गर्भवती महिला की जांच के बारे में बताया, जिससे हमें कई नई जानकारियां मिली। अगले सत्र में हमने टीकाकरण के बारे में चर्चा करेंगे। हम AAA बैठक का विस्तार से विवरण करते हैं ताकि अगले माह में हमें मुख्य बिंदु याद रहे। इसमें हम आंकड़ों का मिलान करते हैं, जैसे कि गर्भवती कितनी है और कितनी गर्भवतियों की कम से कम 3 जांचें पूर्ण हो चुकी हैं और कितने बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है इत्यादि। इससे हमारे आंकड़े एक जैसे हो जाते हैं।